प्रेजेंटेशन विजिबल है राइट? यस मैम। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद यूनिट 9 है ये, 8 नहीं है, सॉरी। वी आर कंटिन्यूइंग विद यूनिट 9 एंड हमने ह्यूमन डेवलपमेंट कर लिया था। थेरेपीज जो इंटरवेंशन वाला पार्ट है दैट विल बी डन बाय अनदर फैकल्टी मेंबर। And today we are covering the last part of this unit. The last part has the following topics: application of theories of motivation and learning in school, factors in educational achievement, teaching effectiveness, guidance in school, and counseling process. So all that we have studied so far, अभी तक जो हमने motivation की theories में पढ़ा था and all that. How is that applicable, especially in the education system? It is more about that. Schools mein guidance counseling kaise kaam karta hai? It is about that. Okay, so this is the last part of your unit 9, which we will cover today. Application of theories of motivation in school. Motivation ki theories hum sabne padhi hai. Now, how are they related to school? School mein hum kaise unko utilize kar sakte hai? Starting with the very first theory, that is cognitive dissonance. Now, what is cognitive dissonance? बहुत बार पढ़ा है हमने। जब हमारे belief और behavior विपरीत होते हैं। Right. तो हमारे beliefs अलग हैं और behavior अलग है। और साथ में cognitive dissonance क्यों हो रहा है? Behavior तो अलग है ही है, लेकिन cognitive dissonance क्यों बोल रहे हैं? जब हमारे बिलीव्स, जब हमारे बिलीव्स में और हमारे क्या बोलते हैं बिलीव जो थॉट प्रोसेस है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, एक थॉट में ही होता है ना, उसमें मल्टीपल थॉट्स होते हैं उस, और वो दोनों अगर दो थॉट है मेरे माइंड में तो वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, तभी तो कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा। ठीक है, यस मैम, है ना, यही होता है ना, थॉट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है ना हमारे, राइट? कोई कोई मुझे कह रहा है कि सपोज एग्जांपल के लिए ये समवन सेज कि स्मोकिंग वाला एग्जांपल सबसे ज्यादा आता है इसके अंदर, तो जैसे कि समवन इज यूज्ड टू डू स्मोकिंग और उसको सामने से आके आप एड ऑन कर रहे हो, नहीं दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो उसको लग रहा है कि ठीक है आई एम तो डूइंग इट, मेरे को तो पसंद है करना, और कोई आके कह रहा है नहीं इट इज नॉट गुड, अब दो अलग अलग थॉट्स उसके माइंड में आ गए, अब वो क्या करेगा, इन दो थॉट्स को एक साथ तो रख नहीं सकता माइंड में, तो वो रिजॉल्व करेगा इन थॉट्स को, बीच में एक कुछ रास्ता बनाएगा, या तो वो इस बात को मना करेगा या तो इस बात को मना करेगा, ठीक है, या तो वो बिहेवियर में चेंज ले आएगा ताकि वो थॉट रहे ना, या फिर वो थॉट को ही चेंज कर देगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने काफी रिसर्चेस पढ़ी है, काइंड ऑफ kind of. तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमारे माइंड में अनरिजॉल्व कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो कि टू डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, टू डिफरेंट थॉट सिस्टम के लिए होते हैं, डेफिनेटली दे आर रिलेटेड टू अवर बिहेवियर ऑल्सो। तो ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट, ये एक मोटिवेटर की तरह भी काम करता है। ओके, तो ये एक मोटिवेटर की तरह काम करता है, इट एक्चुअली मोटिवेट अस कि हमें अगर कोई चेंज लाना हो अपने अंदर, जैसे अभी स्मोकिंग का एग्जांपल दिया था, तो उसमें अगर हमें जब ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट मिलता है ना, तभी हमें रियलाइज होता है कि अच्छा हमें शायद चेंज की जरूरत है, देयर आर चांसेस ना, जब हम कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिजोल्व करने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि ऐसे कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, या तो डिनाई कर दो कोई क्या बोल रहा है, या फिर उसकी बात को मॉडिफाई कर दो क्या बोल रहा है जो इंसान, अपनी बात के साथ फिट करने के लिए, या फिर उसकी बात को एक्सेप्ट करो, या जो भी थॉट आ रहा है आपके माइंड में उसको एक्सेप्ट करो और उसके हिसाब से अपने अंदर चेंज लाओ। तो यहाँ पे नाउ वी आर फोकसिंग मोर कि जब कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस आता है तो हम उसको एज अ मोटिवेटर यूज करेंगे टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। ओके, अब ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हो सकता है, हम इस चीज को हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब सीबीएसई जब अपनी नई नई पॉलिसीज लेके आता है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, तो
वहां पे क्या होता है, वहां पे जरूर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है इनिशियली। काउंसलर्स पहले स्कूल में नहीं होते थे राइट, लेकिन अभी होते हैं, तो देयर मस्ट बी सम कॉन्फ्लिक्ट ना। पहले तो होगा कि चलो खुद ही संभाल लेंगे, सब टीचर्स ही संभाल लेंगे, बट फिर एक नया थॉट प्रोसेस आया कि नहीं, बच्चों को बहुत जरूरत होती है एंड दे नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प। ठीक है, अब या तो स्कूल उसको रिजेक्ट कर देता है इस आइडिया को, नहीं, बेकार का आइडिया है, हम खुद ही देख लेंगे ये तो, या फिर स्कूल रेडी टू एक्सेप्ट हो जाए कि नहीं सच में बच्चों को जरूरत है इस चीज की। ठीक है, तो वो उस पर काम करे, काउंसलर्स हायर करे, ओके, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि लाया जाएगा स्कूल के अंदर। ओके, तो जब भी कॉग्निटिव डिसोनेंस आता है तब देर इज सम सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, है ना, इश्यूज तो होंगे, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, थॉट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो डिस्कम्फर्ट आएगा, और उसको फिर हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे राइट। जैसे कि मैंने बताया, या तो बिहेवियर में चेंज आएगा ओके, या फिर हम कुछ चेंज करेंगे ही नहीं, और उस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है, या तो उस इंफॉर्मेशन को डिनाई कर देते हैं, या फिर उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर देते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, बट इसका क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या होएगा? तो जब हमें बच्चों पे काम करना है, ठीक है, स्टूडेंट के एटीट्यूड को जब हमें चेंज करना है, तो हमें उसके बिलीफ सिस्टम को टारगेट करना पड़ता है, मतलब व्हाट इज देयर जो बच्चे के मन में ऑलरेडी है, कितना कॉग्निटिव डिसोनेंस है किसी चीज को लेके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन डीलिंग विद अ मिसबिहेविंग चाइल्ड, अ चाइल्ड इज मिसबिहेविंग इन द क्लास, तो अगर बस बच्चे को बोल दो सिंपली कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है उसको आपकी बात समझ ना आए, लेकिन अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए कि ये काम क्यों नहीं करना है, टू मेकिंग अवेयर कि इसे चोट लग सकती है, आपको, आपके दोस्तों को भी चोट लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है, इसलिए इस काम को नहीं करना है, इसलिए ये काम मॉरली करेक्ट नहीं है, दैट मे मेक सम सेंस टू द चाइल्ड। हो सकता है जब आप उसको प्यार से ये बात एक्सप्लेन करो, समझाओ, ये बात समझ आए और वो अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो दैट इज अप्लाइंग दिस थिंग टू द क्लास। जब तक कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही नहीं होगा, जब तक कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं आएगा, जब तक कोई नया थॉट आपके अंदर डाला नहीं जाएगा, तब तक आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे टू अप्लाई इट। ओके, अनदर एग्जांपल हियर इज टू इम्पोज न्यू मेथोडोलॉजी टू वन टीम ऑफ टीचर्स बाय सेइंग इट इज मोर इफेक्टिव देन द करंट वन। जैसे यहाँ पे बात हो रही है, हम एक नया पैटर्न लेके आना है कि दिस पैटर्न इज मोर गुड, इसको अप्लाई करना चाहिए स्कूल में। जैसे मैंने अभी आपको काउंसलर वाला एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, कि स्कूल में पहले तो काउंसलिंग वाला क्राइटेरिया था नहीं, अभी नया नया आया है, शुरू में बहुत रेजिस्टेंस हुआ होगा और अभी भी कुछ स्कूल उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली इट इज टेकिंग इट्स प्लेस स्कूल के अंदर। सिमिलरली जब भी कुछ नया मेथोडोलॉजी आता है, शुरू में सम रेजिस्टेंस ऑल्सो, ओके, इनिशियली देर इज सम रेजिस्टेंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अभी यूजीसी ने, आई गेस, जो आपका जो ये एजुकेशन सिस्टम है आफ्टर स्कूल वाला, अभी चेंज किया है, शायद शायद इस मई से अप्लाई हो जाएगा कि वो 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम, राइट, इट इज नॉट एट ऑल इजी। ये जो सडन ट्रांजिशन लाना है ना, ये इतना आसान नहीं होता है एंड हर कोई इस चेंज के लिए रेडी भी नहीं होता है। ये गवर्नमेंट एकदम से लॉन्च भी नहीं करती है, पहले प्रिपेयर करती है मेंटली सबको, एक एक साल पहले गवर्नमेंट अनाउंसेस कि हम ऐसा चेंज ला रहे हैं, ऐसा चेंज ला रहे हैं, ऐसा चेंज ला रहे हैं, ताकि सबका, और वो अपने लेवल पे सारी तैयारियां कर सके कि कैसे इस चीज को अपने बिहेवियर में लाना है, ट्रांसफॉर्म करना है एजुकेशन सिस्टम को। दे हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, इट इज नॉट एट ऑल इजी। इवन द टीचर्स जो पुराने उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं,
अचानक से ये सडन चेंजेस लेकर आना इज नॉट दैट इजी. इनिशियली सब में कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट होता है, राइट? लेकिन ग्रेजुअली दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, या उनको समझाया जाता है, गवर्नमेंट नोटिसेस निकालती है, कुछ वर्कशॉप्स रखती है टू मेक देम फेमिलियर, टू मेक देम अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस, या पुराने में क्या लूप होल्स हैं वो उनको समझाए जाते हैं, उससे बच्चों को कितना फायदा होगा वो उनको समझाया जाता है. तभी वो माहौल क्रिएट होता है कि वो अंदर से कॉग्निटिव डिसोनेंस रिजॉल्व हो और उसको अप्लाई किया जाए सिस्टम में. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, सो रिसर्च सजेस्ट दैट ओवर यूजिंग स्टैट्स मे बी डेट्रीमेंटल एंड एंगेजिंग द टारगेट स्टूडेंट्स इन डिस्कशन ऑन द इश्यूज इन हैंड आफ्टर न्यू इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड. तो वही है, जब न्यू इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रोवाइड की जाएगी, बच्चों के दिमाग में डाली जाएगी, तभी एटीट्यूड में चेंज आएगा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के कॉग्निशन पे काम कर रहे हैं, कॉग्निशन को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, देन ओनली इट दैट कैन ब्रिंग चेंज इन सर्टन एटीट्यूड. अनदर थ्योरी इज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी. दिस यू अगेन यू ऑलरेडी नो, हम बहुत बार इस थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, बट अभी इसको हमें समझना है स्कूल पर्सपेक्टिव. सो इन जनरल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में क्या होता है बताओ, बेसिक बताओ मुझे फटाफट ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का. एनीवन? मैम बेसिकली इस थ्योरी में ये कहा है कि इंटरनली अगर अराउजल होता है तो उससे थोड़ा एक इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी में आता है. तो टू मेंटेन दैट होम्योस्टेसिस हमें एक ड्राइव आती है, एक मोटिवेशन आता है इंटरनली कि हमें उसे रिड्यूस करना है उस इक्विलिब्रियम की स्टेट को. तो टू अटेन दैट होम्योस्टेसिस हम कोई एक सर्टेन एक्शन करते हैं. राइट राइट. सो एग्जाम्पल, दिस अगर हमें अंदर से भूख लग रही है तो वो हंगर हमारे लिए एक इंटरनल स्टिमुलस है, एंड टू रिड्यूस द डिसइक्विलिब्रियम हम खाना खाएंगे. राइट राइट, और हम उसको बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो जो हमारे अंदर नीड जनरेट थी, नीड के अकॉर्डिंग ड्राइव जनरेट हुई, उस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, वापस एक्विलिब्रियम में आने के लिए वील परफॉर्म सम एक्शन, और हो सकता है बॉडी भी अपना कुछ काम करती है बायोलॉजिकली भी. तो दिस वाज फ्रॉम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमने समझा था. नाउ अगर इसको हम बिहेवियर पे लेकर आ जाएं, स्पेशली हम अब इसको स्कूल्स में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं अगर, तो व्हाट हैपन स्कूल एज, जब इमेजिन योर ओन सेल्फ, ठीक है, बीइंग इन स्कूल, स्कूल एज में हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स कैसी होती है? वी जनरली हैव नीड ऑफ रिकॉग्निशन, नीड टू फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ, नीड फॉर सेल्फ एस्टीम. टाइम में हमें सब जाने पहचाने, ठीक है, यू वॉन्ट टू फील अ पार्ट ऑफ पूरी क्लास, आप आइसोलेटेड फील नहीं करना चाहते हो, राइट? ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं एट द स्कूल टाइम. तो उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब यू विल गेट मोटिवेटेड, जब भी ऐसी नीड आएगी इट विल जनरेट सर्टेन ड्राइव इन यू, इट विल पुश यू टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन. ठीक है, अगर आपके अंदर नीड आ रही है कि मुझे सब जाने, टीचर को तो मेरे इसका फ्रेंड का नाम पता है, मेरा तो नाम तक नहीं जानती है टीचर, तो क्या होगा, एक ड्राइव जनरेट होगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि टीचर मुझे भी पहचाने, राइट? अब वो करने के लिए हो सकता है आप और अच्छी पढ़ाई करें और मार्क्स अच्छे लेकर आए ताकि टीचर का ध्यान आप पे जाए, या फिर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, है ना, आप पोएम रिसाइट कर रहे हैं, आप डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? स्कूल के आप फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपको रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, हो सकता है आपका टीचर आपको जानने लगे थ्रू दैट,
आप अपने स्किल्स पोर्ट्रे कीजिए वहां पे, एंड डेफिनेटली पीपल विल नो यू, एंड उससे क्या होगा, आपका जो ये नीड ऑफ रिकॉग्निशन था कि मुझे भी लोग जाने, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट? बट अगर जब ये नीड सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, राइट? तो इवन इन स्कूल टाइम अगर हमें लग रहा है कि कोई हमारी ऐसी नीड है, ठीक है, हम सेल्फ वर्थ फील करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं क्लास में फर्स्ट आना, सब लोग हमें वाह वाह करें, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है? अब ऐसा हो नहीं पा, फ्रस्ट्रेट होएगी, फ्रस्ट्रेट होगी तो हमारे अंदर एंजाइटी जनरेट होगी, राइट? सो दिस इज द होल सिनारियो जो कि हमारे स्कूल टाइम में हम पे अप्लाई होता है, बट द मेन थिंग इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली मोटिवेटिंग अस टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस. अगर ये नीड ना हो, ठीक है, तो अगर ये नीड नहीं होगी तो फर्दर हम मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन. करेक्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको ये? यस इधर मैम, यस मैम, अगेन एग्जाम्पल के लिए, इफ अ स्टूडेंट इज पैशनेट टुवर्ड्स ड्रामा हु डज नॉट सीम टू एंजॉय लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है बट ड्रामा में दैट चाइल्ड इज गुड, सो आस्क देम टू कंट्रीब्यूट देयर एक्टिंग स्किल्स बाय मिमिकिंग वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस एंड लेसन्स. सो दिस इज आई गेस फॉर मोर अबाउट द टीचर्स. अगर टीचर बच्चों के इस नीड को रिकॉग्नाइज कर पाती है, बिकॉज टीचर एंड चाइल्ड स्टूडेंट हैज अ वन टू वन कनेक्शन, ठीक है, टीचर को सब पता होता है बच्चे के बारे में कि उसको क्या, किस टाइप का बच्चा है, क्या इशू चल रहा है उसके साथ, वो कैसा महसूस कर रहा होगा, तो टीचर की भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टू मोटिवेट द स्टूडेंट, ओके? एंड एट टाइम्स मे बी, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, हम सबकी लाइफ में ना किसी एक टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है. सम वन पर्टिकुलर टीचर हैज मोटिवेटेड अस इन आर स्कूल टाइम, जो हमें हमारे शेल से बाहर निकालने में हमें मदद करती है, राइट? वो टीचर हमारी उस नीड को पकड़ पाती है, इस बच्चे और क्या नीड है इसकी, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आई एम गुड इन सम अदर एक्टिविटी, तो टीचर को अगर ये बात पता है तो शी विल ट्राई टू मेक मी लर्न थिंग्स बाय माय ओन स्किल्स, ठीक है? तो सपोज देयर इज सम नॉटी चाइल्ड इन द क्लास, उसको पढ़ाई में इतना मजा नहीं आता है, अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, दैट चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, हाँ, लेकिन उसको सबके सामने खड़ा कर दो कुछ बोलने के लिए, दब उसको बहुत मजा आता है, तो रेदर देन मैं उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ एक्सपेक्ट करूँ कि सब बच्चों की तरह वो पढ़ेगा समझेगा, इफ आई इन्वॉल्व दैट चाइल्ड इन सम एक्टिविटी टू मेक हिम लर्न दैट थिंग, ही विल एंजॉय मोर, ही विल लर्न मोर, एंड ही विल ऑल्सो गेन सम सेल्फ वर्थ दैट यस आई नो दिस थिंग, आई कैन टीच दिस टू अदर पीपल ऑल्सो. तो वो एनकरेजमेंट, राइट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट टू सेटिस्फाई राइट काइंड ऑफ नीड टू गिव डायरेक्शन टू द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? मैम आपने वो मूवी देखी है 10वीं? हाँ तो जैसे उसमें अभिषेक बच्चन को मैथ्स वगैरह या प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते थे, पर राइट वो पॉलिटिक्स उसका एरिया था, तो वो उसको पॉलिटिकली एग्जांपल्स दे करके ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और ये सब सिखा, हाँ तो वो राइट इसमें आएगा? लेके चल सकते हो उसके अंदर, अगर उसको इस, अगर हमें इस थ्योरी में फिट करना है उस कॉन्सेप्ट को जो आप कह रहे हो, है ना, जो डाइव रिडक्शन थ्योरी है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम उसकी नीड पकड़ेंगे जो कि ही हैज दैट, मतलब एक एक हंगर था उसके अंदर उस नॉलेज का, पॉलिटिकल नॉलेज को जानने का, मतलब वो कहानियों के थ्रू बहुत सुंदर स्टोरीज, इमेजिनेशन, ही वाज एंजॉयिंग ऑल दैट स्टफ, एंड दोस पॉलिटिकल स्टफ उसको समझ में भी आते थे. अभी क्या रोल रहा, वो जो उसके अंदर नीड थी ना टू
एक क्वेस्ट था, ठीक है, वो जो उसके अंदर एक क्वेस्ट था टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग लाइक दैट मैनर, टू एंजॉय थिंग्स इन दैट मैनर, उस नीड को हमने दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर दिया. मतलब वो मोटिवेशन हमने, मतलब वो जो जनरेट करना था, तो वो किसी और चीज को समझाने में हमने उस चीज को अप्लाई कर दिया बेसिकली यहाँ पे. लेकिन अगर हम उससे उसको एग्जांपल लेना चाह रहे हैं ना, तो इट इज मोर ऑफ उसके अंदर वो जो मोटिवेशन, जो धक्का पड़ा ना उसको कि 10th पास करनी है, यस मैम, वहां पे ये ज्यादा अप्लाई होता है ब्रॉडली यस मैम, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, कि ये उसको वो जो मोटिवेशन मिला कि मेरे को 10th के एग्जाम देने, आई हैव टू क्लियर दिस, मैंने इतनी भी पढ़ाई क्यों नहीं करी अभी तक, या जो वो जो उसको धक्का लगा ना, दैट इज मोर ऑफ उसका ड्राइव रिडक्शन, ठीक है, रेदर देन अप्लाइंग दैट. आई गेस वो किसी और थ्योरी में ज्यादा फिट हो जाएगा फिलहाल, लेकिन उसका नी ड्राइव रिडक्शन इज कि वो आया कहाँ से कि 10th पास करना है मुझे, ठीक है. अंडरस्टूड. अनदर थ्योरी इज एट्रीब्यूशन थ्योरी. सो व्हेन वी मेक एट्रीब्यूशन, अगेन वी नो, जब हम खुद कुछ अच्छा काम कर लेते हैं ना, तो हमें लगता है हमने बहुत मेहनत करी थी उस काम के पीछे, और जब कोई दूसरा कोई अच्छा काम कर लेता है, तो हमें लगता है कि शायद उसने शायद उसकी किस्मत बहुत तेज थी. तो कुछ हमसे गलती हो जाती है, फेल हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं थी, पेपर अच्छा नहीं था, रेदर देन हम ये सोचे कि शायद हमारी मेहनत में कमी थी, राइट. अगर कोई दूसरा फेल होता है, तो हम गए फटाफट बोलेंगे, अरे उसने तैयारी अच्छे से नहीं करी थी, राइट. तो दीज आर एट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन. जब कोई होता, कुछ इवेंट होता है, तो हम उसको कैसे एट्रीब्यूट करते हैं, क्या रीजन देते हैं उसके पीछे, ओके, दैट इज एट्रीब्यूशन थ्योरी. सो क्लासरूम में जब इसको अप्लाई करना है, तो राइट काइंड ऑफ एट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर हम हर चीज को ये एट्रीब्यूट कर दे कि इट इज लाइक डिपेंडेंट ऑन द आउटर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, कि लाइक अगेन वही है, पेपर हुआ अच्छा नहीं हो पाया है, तो यू कैन नॉट ऑलवेज एट्रीब्यूट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. सपोज यू आर अ टीचर, यू हैव अ स्टूडेंट, एंड वो बच्चा नंबर अच्छे नहीं ला पाया है, एंड एंड यू ऑल्सो नो दैट दैट चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव इन क्लास. तो बीइंग अ टीचर, आपको पता है दैट कहीं ना कहीं उस बच्चे की मेहनत में कमी रही है, ठीक है. और पीटीए मीटिंग होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, एंड और बच्चा आके एक्सक्यूज देता है कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था, या पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आया था. घर जाके ऐसे ही बताते हैं बच्चे, कि पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं इसने कहा था पेपर बाहर से आया है, तो टीचर ऑफेंड हो जाएगी, टीचर बोलेगी मेरे को पता है इसने तैयारी नहीं करी थी, एंड पेपर तो बहुत ही सिंपल था, बच्चों के फुल फुल मार्क्स आए हैं, राइट. तो वहां पे टीचर को रेक्टिफाई करना जरूरी है दैट देयर इज सम इंटरनल इशू, बच्चे की तैयारी प्रॉपर नहीं है, बच्चा अटेंटिव नहीं है क्लास में, उसका इंटरेस्ट नहीं है क्लास में, ठीक है. देन दे विल वर्क कि कैसे इन चीजों पे काम किया जाए. पहले राइट एट्रीब्यूशन जरूरी है टू डायरेक्ट द चाइल्ड. नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, देर इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, यू नो, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे से रहता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, सब कुछ अच्छे से करता है, फिर भी somehow उसके मार्क्स नहीं आए पेपर में. अब आप परेशान हो रहे हो, ये बच्चा तो बहुत ही डेडिकेटेड है, शांत है, नॉटी भी नहीं है, होमवर्क भी करके रहता है, फिर इसके मार्क्स कैसे नहीं है. तब इंक्वायर करा जाएगा पीटीए मीटिंग में पेरेंट्स के थ्रू कि ये है, सब कुछ है, तो मार्क्स कैसे नहीं आए इस बच्चे के. तो तब नाउ देर कैन बी सम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन. तब उसके पेरेंट्स बता सकते हैं कि हमारे घर में कुछ डिस्टरबेंस चल रहा था जिस वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाया, ठीक है, या फिर समथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड द चाइल्ड्स माइंड जो उसको बॉदर कर रहा है. तो वहां पे, मतलब वहां हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इश्यू क्या है,
तो इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड करेक्ट एट्रीब्यूशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो दैट चाइल्ड कैन बी डायरेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर इंटरनली इशू है, उसकी तैयारी नहीं हो रही है, कोई और इशू है, पहले उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है उस एरिया को, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे. राइट? इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू ऑल? यस मैम. Another theory is endowed progress effect. So what happens when people feel they have made some progress towards the goal ki taraf, jab logo ko lagega that unhone haan kuch kaam kar liya hai, some progress, theek hai, then they will feel more committed towards its achievement. For example, abhi ki stage mein ho aap log, you are about to finish your preparation, you are about to finish your syllabus. यानी कि आप काफी प्रोग्रेस कर चुके हो, काफी रिवीजन कर चुके हो अभी तक आपके एग्जाम के लिए. अभी क्या होता है ना, लास्ट मिनट पे आते आते आपको लगेगा यार इतना कर लिया है ना, थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, हो सकता है एग्जाम क्लियर हो जाए. होता है, वी पुश आवर सेल्फ, वी पुश आवर लिमिट्स. स्पेशली जब कोई काम काफी हद तक कर लेते हैं ना, फिर तो और अंदर से आता है, एक कमिटमेंट आता है कि नहीं यार थोड़ा सा और कर लेते हैं, हो जाएगा, थोड़ा ही तो बचा है. राइट? वी डू सो. Yes. होता है ना. यस और नो? यस मैम. नाउ इमेजिन अनदर सिचुएशन. यू हैव जस्ट वोक अप अभी एंड देन यू आर लाइक, मुझे आज से तैयारी शुरू करनी है, नेट का एग्जाम क्लियर करना ही है. And today is 24th May. You may have exam in 1 month. Okay, 1 month bhi main bahut zyada bol rahi hu. And you decided, nahi, aaj se mujhe padhai shuru karni hai. Bahut time nikal gaya, haath se ab to padhna hi padhega, paper tayari karni hai, dena hai. Ab aapne itne time se koi tayari nahi kari, suddenly you decide one morning, abhi ki ab tayari karni hai, paper dena hai, mujhe clear to karna hi hai. Bahut important hai mere liye. What will happen? आप खुद भी कमिटेड नहीं रह पाओगे अपने काम के प्रति. राइट? क्योंकि अभी तक आपने उस तरफ कोई काम ही नहीं करा है, कोई नहीं करी है. सो यू विल गिव अप वेरी अर्ली. एक दिन दो दिन करोगे, उसके बाद लगेगा अरे घबराहट शुरू हो जाएगी, पेपर तो आ गया, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, सारी यूनिट्स बची हैं, एक यूनिट करने में मुझे तो 10 दिन लग गए, अब मैं क्या करूंगा, एंड यू विल गिव अप. राइट? होता है. Yes, ma'am. ठीक है. तो दिस इज एंडोर्ड प्रोग्रेस इफेक्ट. अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई है तो आप गिव अप कर दोगे, आप कमिटेड नहीं रहोगे, हार मान जाओगे. ठीक है. नाउ इन द क्लासरूम सेटिंग, टीचर्स कैन इंश्योर दैट वॉट एवर द टास्क दे एंगेज देयर स्टूडेंट, दे ऑल एक्सपीरियंस सक्सेस इन इनिशियल स्टेजेस. इसलिए टीचर जब भी कोई क्लास में शुरुआत कराती है काम करने की, वो इजी से शुरू करती है. मैथ्स भी कराती है तो वो सबसे पहले, हमारी एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक याद है, वो एनसीईआरटी की बुक में भी पहला सवाल बहुत आसान होता है. ग्रेजुअली वो डिफिकल्टी लेवल एनहांस करते हैं. शुरुआत के क्वेश्चन बहुत इजी इजी देते हैं वो, क्वेश्चन 1 2 3, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं. राइट? Yes, ma'am. ठीक है. तो इसी तरीके से टीचर क्लासरूम डिजाइन करती है. पहले टीचर विल आस्क कि आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करती है, कितना आता है आपको ऑलरेडी, टू बूस्ट यू. आपको क्वेश्चन में पूछती हूँ, है ना, अगर मैंने अभी पूछा आपसे कि ये इस थेरेपी का क्या मतलब है, या अभी मैंने पूछा ड्राई रिडक्शन थ्योरी क्या होती है, तो पता है इट विल, व्हाट विल हैपन, द मोमेंट यू विल एक्सप्लेन मी कि ये क्या होता है, यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस इन यू दैट आई नो द कॉन्सेप्ट. बैकअप रेडी हो गया आपका, यू आर नाउ, नाउ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर आई से. सिमिलरली टीचर स्ट्रैटेजी वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स. ठीक है. तो पहले वो उनको सिंपल चीजों के साथ एंगेज करेगी, उस नॉलेज के साथ जोड़ेगी.
एंड देन ग्रेजुअली उसमें छोटा छोटा करके इनपुट इंफॉर्मेशन का डालेगी, जो कि बहुत सिंपल होगा, जो बच्चा अडेप्ट कर पाए. ओके, तो टीचर विल डिजाइन इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस इन अ स्टेप्ड फैशन विद इजी टास्क एंड ग्रेजुअली बिकम डिफिकल्ट. यही होता है, हम इजी से शुरू करते हैं और धीरे 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 बच्चे को डिफिकल्टी लेवल तक लेके जाते हैं. राइट, प्रोवाइड लॉट ऑफ स्कैफोल्डिंग एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ टीचिंग. स्कैफोल्डिंग इज सपोर्ट, पाइलॉन, नॉलेज, नॉलेज लेयरिंग, लेयर चढ़ती जाती है. पहले एबीसीडी सीखते हैं, फिर हम क्या सीखते हैं, वर्ड्स बनाना सीखते हैं, साउंड, फोनेटिक साउंड बोलते कैसे हैं वो सीखेंगे, फिर सी ए टी कैट सीखते हैं, है ना, फिर दो दो तीन तीन वर्ड सीखते हैं एक साथ, फिर दिस इज अ कैट पूरा सीखते हैं. ऐसे तो सीखते आए हैं आज तक, राइट? यस मैम, ठीक है. सो दिस इज हाउ हम बीइंग अ टीचर बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है टू प्रोग्रेस, टू कीप प्रोग्रेसिंग, टू हैव दैट फीलिंग दैट वी आर लर्निंग एंड प्रोग्रेसिंग. बिकॉज जब वो फीलिंग रहता है आपके अंदर, तो आप उस काम को अचीव करने के लिए और प्रयास करते हो. यू फील मोर कमिटेड टूवर्ड्स अचीविंग. ठीक है, देन वी हैव कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी. सो नाम में ही क्या पता चल रहा है, कॉग्निटिव यानी कि अबाउट योर ओन कॉग्निशन. इवैल्यूएशन, हाउ यू इवैल्यूएट, उस थ्योरी की बात हो रही है. सो व्हाट इज हैपनिंग, सपोज व्हेन यू लुक एट अ पर्टिकुलर टास्क, यू एक्सेस इट इन टर्म्स ऑफ हाउ वेल इट मीट्स आर नीड टू फील कॉम्पिटेंट एंड इन कंट्रोल. तो नाउ इट इज अबाउट एनी टास्क यू टेक. ठीक है, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, यू विल फील मोर कनेक्टेड अबाउट योर ओन प्रिपरेशन. ठीक है, दिस इज योर टास्क दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. नाउ जब आपने इस टास्क को लिया है, ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा आप इसकी तैयारी क्यों कर रहे हो, हाउ वेल इट इज गोइंग टू मीट योर नीड. बिना मोटिवेशन के आप किसी काम को एक्चुअली नहीं करते हो. ठीक है, तो देर मस्ट बी सम मोटिवेशन बिहाइंड दैट. हो सकता है आप लर्निंग के लिए कर रहे हो सकता है आप रिकॉग्निशन के लिए कर रहे हो सकता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो. देर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स. ठीक है, कि आपकी कौन सी नीड सेटिस्फाई हो रही है, और सबकी नीड्स अलग अलग हो सकती है. प्लस द मेजर थिंग हियर इज, ये हो गई आपकी एक्सटर्नल नीड्स. ठीक है, एक्सटर्नली आपकी क्या नीड हो सकती है, लेकिन इंटरनली क्या नीड है आपकी, टू फील मोर कॉम्पिटेंट ऑफ योर ओन सेल्फ. एक फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंट आता है आपके अंदर, दैट यस आई कैन डू दिस, मुझे आता है ये चीज, मैं कर सकती हूँ. एट टाइम्स इट, वो कहते हैं ना कि हमें खुद से कॉम्पिटिशन करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे इट इज मोर ऑफ योर ओन कॉम्पिटिशन. आपका क्या लेवल है और आप खुद से कंपीट करके कहाँ आगे बढ़ना चाहते हो. ठीक है, इट इज मोर ऑफ द लाइक दैट, कि आप इस सिचुएशन को लेके कितना कितना कंट्रोल में हो. ओके, द मोमेंट यू सी द सिलेबस यू फील नाउ दिस इज समथिंग आई कैन डू. आप अभी की बात नहीं कर रही, बट सपोज आपने 2-3 महीने पहले सिलेबस उठाया है नेट का, एंड यू यू आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और सिलेबस देख के आपको लगा, यार ये मैं कर तो सकता हूँ, आई एम ट्राइंग टू इवेल्युएट माई ओन कॉग्निशन कि ये सिलेबस अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आएगा, आई कैन पुश माई सेल्फ कि मैं इसको पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ, एंड आई फील आई कैन डू दिस. वट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम इवेल्युएटिंग माई ओन लेवल ऑफ कॉग्निशन हेयर, माई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी आई एम ट्राइंग टू इवेल्युएट. तो दैट विल मोटिवेट मी इंट्रिंसिकली. ठीक है, अब अगर बाय सीइंग द सिलेबस ऑपोजिट हो रहा है, आपको लग रहा है ये कैसे करूंगी मैं, ये तो तैयारी हो ही नहीं पाएगी, इतना सारा सिलेबस है, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता है, मुझे नहीं लगता मैं एक बारी में ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी. अगेन व्हाट यू आर इवेल्युएटिंग,
योर कॉम्पिटेंसी, योर कॉग्निशन, और उससे बिल्कुल नेगेटिव पिक्चर क्रिएट हो रहा है. सो इट इज मोर ऑफ योर अबाउट योर सेल्फ परसेप्शन ऑफ योर ओन कॉम्पिटेंसी लेवल देन द एक्चुअल ट्रूथ. सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्या अपने बारे में जानते हो और समझते हो. यू कैन ऑल्सो रिलेट दिस टू समहाउ टू सेल्फ एफिकेसी काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो, राइट? यस मैम, है ना, सेल्फ एफिकेसी इज ऑल्सो सेल्फ परसेप्शन अबाउट योर ओन एफिशिएंसी. आपको क्या लगता है आप इस काम को कितना कर सकते हो, कितना बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है? कॉन्सेप्चुअली क्लियर है सबको? यस मैम, क्लासरूम इम्प्लीकेशन इसका क्या हो सकता है? क्लासरूम इम्प्लीकेशन, कैन यू गेस इट? अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आई गेस एक पिक्चर क्रिएट हो गई होगी कैसे एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप काम कर रहा है. तो कैन यू गेस इट कैसे काम चलेगा अगर हम इसे टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बीच में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, तो हाउ कैन थिंग्स कैन बी डन? जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट. यू विल फील गुड एक्चुअली जब आपके अंदर से वो एग्जाम्पल निकल के आएगा. मैम बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट ये फील करता है कि ही और शी इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू वेल इन दैट सब्जेक्ट, तो टीचर ये कर सकती है. मतलब पहले तो यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बच्चा अपने आप को किस तरह से परसीव कर रहा है. उसे लगता है कि वो एग्जाम क्लियर कर सकता है या नहीं कर सकता है. अगर टीचर को ये रियलाइज होता है कि बच्चा अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझता है, तो मे बी वो मतलब उनको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कराएं, साथ में छोटे छोटे टास्क देते जाएं जिसमें वो अच्छा कर सकता है, सो दैट वो एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस धीरे धीरे बढ़ने लगे. जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं नेट का एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, तो आप मुझे जो जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, आप उन टॉपिक्स से पढ़ाना स्टार्ट करो. और उसके मॉक टेस्ट में जब मुझे लगेगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगेगा कि हाँ शायद मैं एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, और मैं अकॉर्डिंगली फिर पढ़ना शुरू करूंगी. राइट राइट, वेरी गुड. सो अगेन क्या हो रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को हम बच्चों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर रहे हैं पहले तो, ठीक है? सपोज हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, स्कूल का सिस्टम है, टीचर है, क्लासरूम है, स्टूडेंट्स है. टीचर को पता है भाई बच्चे अभी नए नए आए हैं, आपका नया सेशन शुरू हुआ है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग. अचानक से आप कुछ बड़ा सा टास्क दे दो, उनसे नहीं होगा, ठीक है? बट पहले आपको उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करना पड़ेगा, है ना? वो छोटे छोटे टास्क कराने पड़ेंगे, प्लस उनको मेंटली भी एनकरेज करना पड़ेगा दैट यस दिस इज द थिंग. मुश्किल नहीं होता है, सिंपल होता है, एंड यू कैन डू इट, राइट? दिस इज योर स्किल सेट. साथ में टीचर उनके स्किल सेट डेवलप कराएगा, लैब्स ले जाएगा, एक्टिविटीज कराएगा, गेम्स कराएगा, तो सो दैट उनके अंदर वो सेल्फ एफिकेसी डेवलप होने लगे, उनको लगने लगे हाँ यार मैं कर सकता हूँ. तो मतलब कभी कभी होता है ना, हमें पता ही नहीं हम कोई काम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई हमें पुश करता है उस काम को करने के लिए, हम कर जाते हैं, तब भी रियलाइज अच्छा ये काम हम कर सकते हैं. और टीचर का रोल यही रहता है, वो स्टूडेंट को इस तरीके से मोटिवेट करेगी, इस तरीके से पुश करती है, इस तरीके से पूरा करिकुलम सेट करती है कि बच्चा ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करने लगे. छोटे छोटे काम, छोटे छोटे लेक्चर्स, एक्टिविटीज, एग्जाम आने तक बच्चा पूरा प्रिपेयर हो जाता है और उसको लगता है यस आई कैन डू इट. ऐसा तो कभी नहीं होता है ना, हमसे अचानक प्रैक्टिकल एग्जाम ले रहे हैं, हमारी कितनी तैयारी कराई जाती है प्रैक्टिकल कराने से पहले, होता है राइट? यस मैम, कभी ऐसे स्कूल में तो नहीं हुआ ना, डायरेक्ट एग्जाम में ले जाके खड़ा कर दिया, आज आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है. बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, हमें तैयार किया जाता है उस दिन के लिए. क्यों? ताकि हम
उतना कॉम्पिटेंट फील कर सके अपने बारे में, उतना उस सिचुएशन को लेके कंट्रोल में आ सके, येस वी कैन डू दिस प्रैक्टिकल. ठीक है, सो इट इज अबाउट दैट. अनदर थ्योरी हेयर इज सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी. दिस अगेन वी ऑल नो इन जनरल, जहां पर फिर से आपका इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आएगा. देन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लोकस ऑफ कॉजालिटी. ओके, सो व्हाट हैपन बेसिकली, कि अगेन वही है कि किसी चीज के पीछे कॉज क्या है. कभी कभी हमें लगता है हमारा जो बिहेवियर है वो सेल्फ डिटरमाइंड है. ठीक है, जब हम कहते हैं सेल्फ डिटरमाइन है, मेरे से ही हो रहा है, मेरा बिहेवियर डिटरमाइन, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तो दिस मीन्स दिस इज इंट्रिंसिक, अंदर का मामला है. ठीक है, बट व्हेन अदर पीपल सी कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है जो मेरी लाइफ को चला रहे हैं, तब हमें लगेगा दैट इट इज एक्सट्रिंसिक. कोई भी काम हो रहा है वो बाहर से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप क्या महसूस करते हो. अगर आपका हर वक्त लोकस इंटरनल रहता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे हमेशा रहेगा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है शायद मेरे ही प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है तो जरूर मैं ही कहीं चूक कर रही हूँ. ठीक है, अगर मेरा लोकस इंटरनल है तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहूंगी, लेकिन अगर मेरा हमेशा मैं सिर्फ बाहर ही देख रही हूँ बाहर क्या प्रॉब्लम्स है, तो मेरा मोटिवेशन भी एक्सट्रिंसिक होगा. बाहर प्रॉब्लम है तो मेरा मोटिवेशन भी बाहर से ही आएगा, मैं रिवॉर्ड सीक करूंगी, अरे मुझे कोई फायदा मिलना चाहिए किसी काम के पीछे बाहर ही. अगर कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा तो मैं काम क्यों करूं. ठीक है, अगर मुझे कोई सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो मैं वो काम क्यों करूं, या फिर मुझे पनिशमेंट मिल सकती है इस काम के लिए तो मैं ये काम क्यों करूं. ठीक है, तो जब लोग इस तरीके से मोटिवेटेड होते हैं तो वो अपने बाहर एक्सटर्नल की आउटवर्ड रिवॉर्ड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन अपने काम पे फोकस करें. लेकिन इंट्रिंसिकली अगर वो मोटिवेट होते हैं अंदर से, ठीक है, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब आता है ना तभी वी इंजॉय थिंग. जैसे हमेशा हमारी बात हुई है कि भाई आप इंजॉय करो, आप जो पढ़ रहे हो उसको इंजॉय करो, मतलब रेदर देन आपका ध्यान इसी पे बना रहा है पेपर में क्या पूछ लेंगे क्या बताना है और मैं पता नहीं कर भी पाऊंगा कि नहीं एग्जाम. कंसेप्चुअलाइज थिंग्स है ना, इंटरनलाइज थिंग्स एंड यू एंजॉय दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. And intrinsic motivation is always stronger than extrinsic motivation. Okay. So, इसको अगर हम क्लासरूम में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक तो हो गया कि हम बच्चे को बाहर से पुश कर रहे हैं कि वी आर गिविंग हिम सम रिवॉर्ड, हमने चॉकलेट ला के दी, वो मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो हम उसको चॉकलेट देते हैं, है ना, टीचर्स चॉकलेट देती हैं, स्टार्स बनाती हैं उसकी नोटबुक में, तो बच्चा कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करता है. बट दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. होता था ना स्कूल टाइम में कितने स्टार मिलेंगे आज नोटबुक में, हमें घर जाके गिनते थे हम, राइट. तो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी. बच्चों को इनिशियली मोटिवेट किया ऐसे ही किया जाता है, बट ग्रेजुअली वॉट हैपन, वी एंटर इन टू द फेज ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन, और वो भी टीचर कहीं ना कहीं पुश करती है, इनकलकेट करती है. ठीक है, सो हमारा जो सेल्फ डिटर्मिनेशन नीड्स है, राइट, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए वी वॉन्ट सम सेंस ऑफ ऑटोनमी इन आर लर्निंग, और वो ऑटोनॉमी एकदम से नहीं आती है, उसके लिए पुश किया जाता है पहले एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू एंड ग्रेजुअली इट एंटर्स इनटू योर इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन लेवल. आपको पहले तो टीचर ने रिवॉर्ड किया, आप ये करोगे मैथ्स में एक सवाल करोगे चॉकलेट मिलेगा, दो करोगे फिर दो चॉकलेट मिलेगा. क्या होता है जब हम ऐसे काम कर रहे होते हैं ना, हमें यारा सेल्फ एफिकेसी बढ़ रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है बट हमारा सेल्फ एफिकेसी बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है मैं कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ. एंड घर जाके आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, आप उस सब्जेक्ट में और अच्छे होने लगते हो
एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर सब्जेक्ट, आप उसको और मन से पढ़ने लगते हो. होता है ऐसा? हैव यू विटनेस्ड इट? यस मैम, है ना, इंटरनल आने लगता है ना ग्रेजुअली कुछ चीजों के अंदर, इनिशियली पता नहीं होता है, राइट? तो दिस इज एट द स्कूल लेवल, एट द क्लासरूम लेवल. अगेन अगेन दिस इज रोल ऑफ टीचर ऑल्सो हेयर, कि वो इस तरीके से डिजाइन करे करिकुलम कि ग्रेजुअली बच्चों के अंदर वो सेंस ऑफ ऑटोनोमी आने लगे और वो एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक पे शिफ्ट होने लगे, राइट? क्लियर है ये? यस मैम, एनी डाउट टू एनीवन? नो मैम, अनदर थ्योरी हेयर इज वैलेंस इंस्ट्रूमेंटैलिटी एक्सिस्टेंसी थ्योरी. सो हेयर मोटिवेशन रेफर्स टू थ्री फैक्टर्स, अगेन वैलेंस इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी, एंड वी हैव गॉन थ्रू दिस थ्योरी ऑलरेडी. तो हमने कहा था मोटिवेशन के लिए एक तो वैलेंस है, यानी कि व्हाट व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है ना, मैं मुझे क्या आउटपुट मिलेगा इस एक्शन से. इंस्ट्रूमेंटैलिटी, द बिलीव दैट इफ आई परफॉर्म अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन आई विल सक्सीड. ठीक है, तो दैट बिलीफ सिस्टम, अगर मैं ये काम इस तरीके से करूंगा तो जरूर सक्सेसफुल हो जाऊंगा, दैट इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी. सक्सेस इस तरीके से मुझे मिलेगी, ठीक है. एंड एक्सपेक्टेंसी, द बिलीव दैट आई विल बी डेफिनेटली एबल टू सक्सीड. एक्सपेक्टेंसी है, सेल्फ एफिकेसी है, सक्सेसफुल होऊंगा. इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, ऐसे ऐसे परफॉर्म करूंगा तो मेरे को मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ठीक है. एंड बैलेंस, कि उसमें आपको कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ये तीनों चीजें मिलके आपके मोटिवेशन को डिफाइन करती है. तो क्लासरूम सेटिंग में क्या होगा, वी कैन मेक क्लियर टू स्टूडेंट व्हाई अ स्पेसिफिक आउटकम इज डिजायरेबल. ठीक है, तो यानी कि अगर बच्चों को हम अवेयर करा रहे हैं, गाइड करा रहे हैं कि आपको ये लर्न करना क्यों जरूरी है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ दिस. अगर आप अच्छा पढ़ाई करके आते हो तो यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड ग्रेड्स, है ना, यू विल गेट रिकॉग्नाइज, आपका नाम लगेगा बोर्ड पे. स्कूल में होता था, एक्टिविटीज होती थी लाइक हमारे स्कूल में, और हर महीने बेस्ट स्टूडेंट का नाम लगता था बोर्ड पे, राइट? या एट द एंड ऑफ द ईयर टॉप 10 स्टूडेंट्स जो रहे हैं उनका नाम लगेगा बोर्ड पे. तो वो क्या होता है, वो एक मोटिवेशन क्रिएट करता है ना हमारे अंदर. हमें पता है अगर हम ऐसे रहेंगे, ऐसे काम करेंगे, नोट नीट एंड क्लीन रखेंगे अपना सारा नोटबुक, होमवर्क पूरा करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो हमें एट द एंड हमारा नाम बोर्ड पे आएगा, राइट? आउटकम क्लियर है, ठीक है. सो देन प्रोवाइड देम विद अ क्लियर पाथ. ये तो हो गया गोल, बोर्ड पे नाम. बोर्ड पे नाम आएगा कैसे, जो मैंने अभी बताया, अगर आपका 100% अटेंडेंस है, आपका होमवर्क पूरा है, आपके नीट एंड क्लीन नोटबुक्स हैं, प्लस यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ ग्रेड इन योर एग्जाम्स, तो आपका नाम बोर्ड पर आएगा. तो दिस इज द क्लियर पाथवे, ठीक है, जो बच्चों को गाइड करेगा कि ये. एंड देन फाइनली सपोर्ट देयर सेल्फ बिलीव दैट आउटकम कैन बी अचीव्ड, एंड बाय रिमाइंडिंग देम ऑफ सिमिलर कंपेरेबल चैलेंजेस दे हैव ऑलरेडी अंडरटुक इन द पास्ट. तो अभी तो रास्ता बता दिया बच्चों को, रास्ता बताने के साथ साथ उनको गाइड भी करना है कि वो रास्ता पार कैसे करना है, और उनको एनकरेज भी करना है अबाउट दैट. उनको लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ, उनको ये भी बताते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं हम ये बता के कि आपने पहले भी इस तरीके के काम किए, अरे पिछली क्लास में भी तो आप ही का नाम आया था बोर्ड पे, दैट मीन्स यू कैन डू इट, राइट? या फिर कोई और चैलेंज उन्होंने अकम्प्लिश किया हो, तो हमें वो रिमाइंड कराना पड़ता है. हमारे साथ भी तो होता है, आप बोलो मैम मुझसे तो लग नहीं रहा मैं ये कर पाऊंगा, है ना, और मैं बोलूँ नहीं आप ये भी तो देखो, आपने लास्ट टाइम वो वाला एग्जाम क्लियर करा था, तो ये वाला क्यों नहीं होगा, यू दैट मीन्स यू कैन डू इट. या फिर आप अपने कॉलेज में तो आपने टॉप किया है,
तो नेट का एग्जाम कौन सी बड़ी बात है, यू कैन डू इट राइट. सो व्हेन वी अप्लाई ऑल द थ्री थिंग्स टू मोटिवेट द चाइल्ड, इट कम्स अंडर दिस. इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम. गोल रिलेटेड थ्योरी, दिस इज अगेन दिस इज कनेक्टेड टू आर गोल्स. ठीक है, तो किस गोल की तरफ हमें खुद को डायरेक्ट करना है. ओके, तो गोल रिलेटेड थ्योरी में क्या रहता है, हमारे पास एक गोल होता है, फोकस होता है. अब वो गोल को हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं अच्छे से. गोल क्लियर रहना चाहिए, चैलेंजिंग एनफ होना चाहिए, ना बहुत इजी होना चाहिए, ना बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए, और अचीवेबल होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ इतना ही ऐसा ले लिया गोल जो हमें पता है अचीव ही नहीं होगा. जैसे मैंने बोला साइड कर रहे हैं कि नेट का पेपर निकालना है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन राइट. सो इफ वी सेट आर गोल्स रेदर देन हैविंग देम इम्पोज ऑन अस, वी आर मोर लाइकली टू वर्क हार्डर. अब रेदर देन मैं आपको फोर्स करूं दैट आपको ये गोल बनाना चाहिए और आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और रेदर देन आप मुझे आके बोलो मैम मेरे को ना ये एग्जाम क्लियर करना है, मैंने ये गोल बनाया है, आई हैव टू डू इट, किस केस में यू विल प्रिपेयर अच्छे से, कहाँ पे आपका मोटिवेशन ज्यादा रहेगा बताओ. मेरे कहने पे या आपके खुद के कहने पे, वेन यू विल फील मोर मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड, के कहने पे खुद के कहने पे, जब आपके अंदर से वो चीज आएगी तब आप मेहनत करोगे. दिस इज द रीजन ऑल्सो आई ऑलवेज से कि इवन पेरेंट्स के कहने पे भी मत करो किसी एग्जाम की तैयारी, जब तक आपके अंदर से नहीं आ रहा है ना डोंट डू इट. ये रीजन कभी मत देना मैं पेरेंट्स के लिए एग्जाम दे रहा हूँ. ठीक है, आप कर नहीं पाओगे उस चीज को सस्टेन लॉन्ग टर्म के लिए, तो डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, डू इट फ्रॉम विद इन, अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, तभी हम उस काम को कर पाते हैं. तो बीइंग अ टीचर आल्सो स्कूल सेटिंग में भी हमारा यही रोल रहता है दैट वी हैव टू, मतलब बच्चों को इस तरीके से गाइड करना है कि वो मोटिवेशन इम्पोज ना लगे, अंदर से आए. यस, लेकिन आपके अंदर से वो मोटिवेशन आए उसके लिए भी वी कैन गाइड यू, बट वो इस तरीके से गाइड किया जाएगा बच्चों को कि एक्चुअली वो इनडायरेक्टली हो. मैं आपको कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट करूंगी, पुश करूंगी, जाओ सर्च करके आओ क्या क्या एग्जाम्स है जिसके लिए आप, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, जस्ट गो एंड डू सम होमवर्क अबाउट इट. और अब जब आप उसके बारे में जाके पढ़ोगे सर्च करोगे तो ग्रेजुअली आ गया, यू मे फील मोटिवेटेड अबाउट इट, आपके अंदर से आएगा मैम ये तो ऐसा ऐसा है, मजा आ गया, मेरे को तो लग रहा है यही काम करना है राइट. वॉट आई डिड, आई जस्ट गाइडेड यू टू एनकरेज टू इम्बाइब दैट मोटिवेशन फ्रॉम विद इन. ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं कह रही हूँ इसलिए ये काम करो, इट शुड कम फ्रॉम अंदर से. ठीक है, दैट विल हेल्प यू मोर. ठीक है, सो आई गेस दीज आर द स्ट्रैटेजीज यहाँ पे, गोल्स ये जो हमने पढ़ी मोटिवेशन से रिलेटेड थी, एंड अगेन ऑल दीज वर्क टुगेदर. ऐसा नहीं है किसी एक स्ट्रैटेजी को लेके हमें काम करना है, ऑल दीज वर्क एक्चुअली टुगेदर. ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग की थ्योरीज अगेन वी ऑल नो, इवन उसको स्कूल सेटिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दिस ऑल्सो इज नॉट दैट डिफिकल्ट. आप बिहेवियरिज्म की थ्योरीज में जब हम जाते हैं तो वहां पे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट का. जैसे मैंने अभी बोला बच्चों को हम स्टार्स देते हैं नोटबुक में, बहुत अच्छा काम किया, स्टार बना दिया, वो बच्चे के लिए पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है. प्रेज करा, आपने कुछ अच्छा बोला क्लास में, आपने पूरी क्लास से तालियां बजवाई बच्चों के लिए. ओके राइट, तो दीज आर पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, बच्चा अच्छा फील करता है और अच्छे से मेहनत करता है राइट. तो वो पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है. बट हमने जितना भी पढ़ा है पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, नेगेटिव रीएनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, सारा स्कूल लर्निंग में अप्लाई होता है. ठीक है, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट यू नो, पॉजिटिव पनिशमेंट ऑल्सो यू नो, गलत काम करने पर जब टीचर हाथ खड़ा कर देती है हमारे, स्टैंड अप, हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ 1 घंटे के लिए,
दैट इज हमें पता है अच्छा बात नहीं करनी थी क्लास में, वरना पनिशमेंट मिलती है, राइट? लेकिन कभी कभी क्या मिलता है हमें, नेगेटिव पनिशमेंट भी मिलती है. नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, टाइम आउट. ठीक है, आपका आपको गेम्स का पीरियड है, ठीक है ना, आप लोगों ने टीचर को बहुत परेशान किया, ठीक है, बहुत परेशान कर दिया. टीचर ने 10 मिनट बाद ही, आपका आधे घंटे का पीरियड था, 10 मिनट बाद ही टीचर ने बोल दिया टाइम आउट, बहुत हो गया, कोई गेम्स नहीं होगा, अपने क्लासरूम में जाओ सब लोग. ठीक है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से स्कूल लेवल पे भी अप्लाई किया जाता है इस बिहेवियरिज्म की थ्योरी को, बहुत ज्यादा अप्लाई होता है इनफैक्ट स्कूल में ये चीजें, वहीं से ये हमें शायद रिवॉर्ड सिस्टम, पनिशमेंट का सिस्टम ज्यादा समझ में आता है. ठीक है, बट इट ऑल्सो गाइड अस कि कैसे कैसे हमें काम करना है. देन ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, इवन क्लासिकल कंडीशनिंग भी होती है हमारे साथ स्कूल लेवल पे. ठीक है, वी एट टाइम्स वी आर ऑल्सो कंडीशन टू डू सर्टन थिंग्स इन अ सर्टन मैनर. या बेल बजी है तो टीचर आएगी, हमें एकदम शांत हो जाते हैं, जैसी बेल बजी है पता है मैम आने वाली है, सब शांत, उथल पुथल सारी शांत क्लासरूम की. ठीक है, या हमें पता है स्ट्रिक्ट टीचर आने वाली है, अगर शोर मचाया तो मार पड़ेगी, पहले ही सब शांत हो गए, नोटबुक खोल के बैठ गए मैम के पीरियड में. ठीक है, सो सर्टेन थिंग्स आर ऑलरेडी देयर. कॉग्निटिविज्म की बात करें अगर, देन अगेन यू नो हमारा कैसे हम प्रोसेस करते हैं अपनी सोच को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को. ठीक है, सो क्लासरूम सेटिंग की बात करें तो कैसे टीचर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है, और बच्चों को उस चीज को सिंप्लीफाई करके समझाती है, राइट? आप साइंस पढ़ा रहे हो, एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को ऐसे एग्जांपल दोगे ना, क्लासरूम के अंदर वो फैन चल रहा है, आपको पता है वो फैन कैसे काम कर रहा है, आपको पता है बाहर बारिश हो रही है तो वो बारिश होती कैसे है, तो यू हैव टू रिलेट थिंग्स, और अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉग्निटिविज्म अप्लाई होता है. कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अगेन टू कंस्ट्रक्ट द आइडिया, टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्सेप्ट धीरे 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 आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट से, या ऑलरेडी आपके पास जो नॉलेज है उससे, या आपके बाहर जो चीजें हैं उससे. तो अगेन यू कंस्ट्रक्ट अ नॉलेज ग्रेजुअली. ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चों को प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग देते हैं. प्रॉब्लम दिया, उसको एक सिचुएशन दे दी, या फिर कोई एक रिसर्च प्रोजेक्ट दे दिया. ठीक है, विंडमिल बना के लाना है आपको, तो विंडमिल आपको खुद बनाना है, तो जब बच्चा खुद उस विंडमिल को बनाएगा तो उसका पूरा मैकेनिज्म उसको समझ में आएगा. ठीक है, प्लस हो सकता है वो ग्रुप में दे दे एक्टिविटी, 4 बच्चों को ये करके लाना है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे. एक तो वो एक्टिविटी बहुत अच्छे से होगी, इंटरेक्शन होगा, बच्चों के आइडियाज आपस में एक्सचेंज होंगे, टीम वर्क बढ़ेगा उनके अंदर, राइट? तो इट विल हेल्प स्टूडेंट अगेन टू बिल्ड द नॉलेज. ह्यूमनिज्म, मैम, हाँ जी, जब हमारा पोस्ट ग्रेड चल रहा था तो हमारे पोस्ट ग्रेड के मतलब जो उसका एग्जाम पैटर्न होता था ना, उसमें सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होता था वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता था। उसमें हमें कोई सिचुएशन दे दिया करते थे कि मतलब कोई केस स्टडी दे दी और हमें पहचानना है कि मतलब कौन सा डिसऑर्डर है और फिर उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लिखना है। तो क्या ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में आता है, प्रॉब्लम हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल बेस्ड आता में है, ना, हाँ कि आप केस स्टडी डायरेक्ट ना पूछ करके कि इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स लिखो, एक राइट केस स्टडी से हमें रिकॉग्नाइज करना है। राइट, उसमें लर्निंग ज्यादा होती है. ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे आप, डायरेक्ट जो रट्टा मान के आए हो लिख दोगे, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम दे रहा है हमें तो वी विल एनालाइज इट कि क्या हो सकता है ना, वी आर अप्लाइंग आर नॉलेज देयर, तो दैट इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव. ओके मैम। ठीक है, ह्यूमनिज्म का थ्योरी अगेन वी ऑल नो पूरा बेसिक से. ठीक है, रॉजर्स का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट ले लो, मैस्लो का नीड्स ले लो,
ठीक है, तो वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट कि वहां पे हमारे को ह्यूमंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, बोला गया है दैट वी ऑल हैव पोटेंशियल टू रीच द हायर सेल्फ। ठीक है, तो वहां पे एक तो एक वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमेशा रहेगा, उसमें टीचर जो है वो हमेशा एक फैसिलिटेटर, एक गाइड की तरह रोल प्ले करता है, क्योंकि वो बच्चे के पोटेंशियल पे विश्वास रखता है। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग विल बी स्टूडेंट सेंटर्ड, बच्चे को सेंटर में रख के काम होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, टीचर सेंटर्ड नहीं होगा। टीचर आया, लेक्चर दिया, चला गया, नहीं, बच्चों की नीड्स को समझा जाएगा, इंडिविजुअल नीड्स को समझा जाएगा, बच्चों के साथ एम्पथाइज भी किया जाएगा, राइट? तभी उनको एक बेस्ट आउटपुट मिलेगा, उनको गाइड किया जा रहा है, उनके ऊपर कुछ भी इम्पोज नहीं किया जाएगा। तो दिस इज हाउ आपका रॉजर्स का टेक्निक विल वर्क। हेयर इज कनेक्टिविज्म, ये एक न्यू एजुकेशनल लर्निंग थ्योरी मानी जाती है। इसका काम रहता है दैट अगेन एज द नेम सजेस्ट, पीपल लर्न बाय मेकिंग न्यू न्यू कनेक्शंस। ठीक है, तो अलग अलग कनेक्शंस हम लोग बनाते हैं लर्निंग के वक्त, लाइक वी हैव नंबर ऑफ रोल्स, नंबर ऑफ ड्यूटीज एज अ स्टूडेंट, वी हैव आर स्किल सेट, वी हैव आर हॉबीज, वी हैव आर पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, सो वॉट हैपन जब हम इन सारे एस्पेक्ट को एक साथ जोड़ते हैं, एज अ पर्सन हम इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, और हम इन सब चीजों को कनेक्ट करते हैं समहाउ, दैट इज वाई एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी हॉबीज के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, और उस काम को बहुत अच्छा करते हैं जो हमारी हॉबीज के साथ कनेक्ट होती है, राइट? वी आर वेरी गुड विद दोज थिंग्स। अगर हम एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग पसंद है, तो जिस सब्जेक्ट में एक्टिविटीज ज्यादा होती है ना, हम उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं, ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, देन जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, आज के टाइम में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो हमने आईसीटी भी पढ़ा है, ठीक है, देन उसका हमारे एजुकेशन में बहुत स्पेशल रोल है। और आज के टाइम में, स्पेसिफिकली आज के टाइम में, इन टुडेज टाइम, आईसीटी के बिना बच्चे नहीं पढ़ते हैं, राइट? दे हैव ऐप फॉर एवरीथिंग, लर्निंग ऐप फॉर एवरीथिंग, दे कैन चेक देयर प्रोग्रेस, दे कैन क्लियर देयर डाउट्स, राइट? दे कैन डू एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग, कुछ एक्टिविटी डिजाइंड होगा उनके लिए, उसके थ्रू वो पढ़ते हैं। इवन इन स्कूल बोर्ड सिस्टम, जिसके थ्रू टीचर्स क्लास को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाती है। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन बच्चों को एक प्रॉपर मींस, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है लर्निंग का, टीचिंग इफेक्टिव, उसकी जो लर्निंग होती है वो इफेक्टिवली होने लगती है। इट इज अगेन लर्नर सेंटर्ड, बच्चों को चॉइस मिलता है कि उसको किस तरीके से लर्निंग करनी है, कौन सा स्टेप फॉलो करना है, उसको ट्रेडिशनल क्लासरूम सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट विल ऑल्सो एनकरेज कि बच्चे कोलैबोरेट करें, डिस्कस करें क्लास में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग ले पाए, राइट? इंफॉर्मेशन को ज्यादा गहराई से जान पाए। इज इट क्लियर टिल हियर? यस मैम, आई गेस वी हैव लेफ्ट विद काफी और स्टफ। डॉली आपको जाना होगा ना, आई गेस ऑफिस कितने यस मैम, बजे? मैम 8:30 बजे निकलना होता है अब। और आपकी तैयारियां शुरू होने का टाइम हो गया शायद। हाँ जी मैम, ओके, ले एक मिनट में, लेट मी सी दिस सिस्टम। ओके, तो मैं ये फैक्टर्स कवर करती हूँ, 3 स्लाइड का है, फिर नेक्स्ट टॉपिक फिर कल करते हैं कवर आगे का। ठीक ओके मैम। है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स इन एजुकेशनल अचीवमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट के क्या फैक्टर्स हैं? सो देयर इज दिस जो कि ब्रॉन फेन ब्रेनर ने दी थी, इनकी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है। ओके, सो
स्टूडेंट का जो अचीवमेंट लेवल है इट इज इम्पैक्टेड बाय न्यूमरस लेवल इंक्लूडिंग पर्सनल फैक्टर देयर इंटरेक्शन विद अदर लाइक टीचर पेरेंट्स एंड लास्टली द लार्जर सिस्टम दैट सराउंड द स्टूडेंट लाइक स्कूल नेबरहुड ओके हमारा पॉलिटिकल पॉलिसीज लोकल इकोनॉमी हमारा कल्चर ये सारे फैक्टर्स हमको गवर्न करते हैं ओके सो ब्रॉनफ्रेनर बायो इकोलॉजिकल मॉडल इलस्ट्रेट अ होलिस्टिक व्यू of whole child in the full context of their world. The model contains four levels from most personal to externalized elements of person's life experience. अंदर से बाहर, personal से बाहर आप देख सकते हैं बच्चा है, ये उसका immediate environment है, बिल्कुल immediate. Immediate में उसका internal environment भी हो सकता है, ठीक है? अब और immediate में और internal के बाद क्या आता है? उसका family, उसका home, उसके parents. ठीक है उसके बाद वो और बाहर की तरफ जाएगा उसका नेबरहुड क्या है उसका स्कूल क्या है ठीक है फिर वो माइक्रो ये माइक्रो सिस्टम हुआ इमीडिएट देन इट मूव्स टू मेसो सिस्टम द कनेक्शन पार्ट ठीक है बाहर और बाहर की लेयर्स में और क्या क्या कनेक्शंस हैं उसके जो डायरेक्ट अभी डायरेक्ट एनवायरमेंट ही चल रहा है बट उसके नेबरहुड के साथ हम देख सकते हैं उसके जो जितने उसकी विसिनिटी में अभी लोग आ रहे हैं ठीक है नॉट जस्ट इमीडिएट थोड़ा आउटर विसिनिटी में देन इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट एक्सोसिस्टम इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट कैसे बच्चे को इफेक्ट कर सकता है ठीक है नॉट डायरेक्ट लेकिन इनडायरेक्ट व्हाट आर द सिस्टम ओवरऑल ओके स्कूल की क्या पॉलिसीज है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो तो एक होता है इमीडिएट स्कूल एनवायरनमेंट एक स्कूल की अपनी पॉलिसी और सेटअप होता है जो आपको इफेक्ट करेगा में पढ़े हो गुरुकुल सिस्टम में पढ़े हो डीएवी में पढ़े हो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हो इट ऑल डिपेंड्स ग्रेजुअली देन मैक्रो सिस्टम और ऊपर के लेवल पे हम चले गए ओवरऑल जिस सोसाइटी का आप पार्ट हो या जिस कल्चर का आप पार्ट हो उसकी क्या वैल्यूज है हाउ इज इट हेल्पिंग यू और डिफाइनिंग यू ठीक है आपका कल्चर आपको कैसे बहुत मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका सोशल वैल्यू सिस्टम कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस होल सोसाइटी एंड इट इन्फ्लुएंसेस अस अलॉट है ना इट ऑल्सो स्टीरियोटाइप अस अलॉट कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी में जेंडर रोल असाइन हो जाते हैं हम सबको एंड देन क्रोनो सिस्टम विच एक्चुअली विद पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस ओवरऑल ये जो पूरा मॉडल है जैसे अभी मैंने कहा जेंडर रोल असाइन हो जाते हैं तो दिस इज ऑल्सो एक पॉइंट ऐसा भी आता है दैट इन एवरी 10 years और 20 years अ सिस्टम चेंजेस जब होते हैं ना 21वीं सदी चल रही है 20वीं सदी में शायद चीजें अलग थी ठीक है तो हम किस सदी को बिलोंग कर रहे हैं दैट ऑल्सो इंफ्लुएंस दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ इंफ्लुएंस ठीक है सो द माइक्रो सिस्टम फैक्टर्स आर कंप्राइज ऑफ ट्रेट विद इन द स्टूडेंट मेरे अंदर क्या क्या है मेरे अंदर की पर्सनालिटी फीचर्स क्या है मेरे अंदर के ड्रिवन सोर्सेस क्या है ठीक है तो फैक्टर्स दैट हैव बीन फाउंड टू हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग एंड एंगेजमेंट स्कूल्स आर प्रेजेंटेड तो अंदर मेरे किस तरीके के एनवायरमेंट है मेरा क्या ड्रिवन फोर्सेज है क्या मोटिवेटिंग फोर्सेज है मुझे क्या करना पसंद है ठीक है वो मेरा इंटरेक्शन ड्राइव करेगा लाइक स्टूडेंट रेजिलियंसी बच्चा कितना रेजिलियंट है ना कितना केपेबल है सो व्हेन प्रोटेक्टिव फोर्सेस आर देयर अफेक्ट ऑफ एडवर्सिटीज मेडिएटेड बच्चे को अगर एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिला है ठीक है ऑलरेडी बच्चा रेजिलियंट काइंड का है एडिशनली उसको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिला है पेरेंट्स का सपोर्ट मिला है तो बच्चा किसी भी मुसीबत को पार कर जाता है ठीक है तो दैट विल हेल्प द चाइल्ड These buffer appear to transcend history, ethnicity and socio-economic boundaries. ठीक है हम इन boundaries को भी पार कर सकते हैं इन इस level के adversity को भी पार कर सकते हैं if we have certain level of resiliency or some other good resilient factors or we have some good support in our vicinity. हमें पता है we have our parents with our side that also strengthen our resilience. इंडिविजुअल स्टूडेंट एबिलिटीज सो हमारे जो कॉग्निटिव या मेटाकॉग्निटिव फैक्टर्स हैं वो भी हमारी लर्निंग एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं
हम कितना अच्छा सोच रहे हैं, किस हद तक मेटा कॉग्निटिव कर पा रहे हैं, सोच के बारे में सोच पा रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन अस, वो भी हमारी लर्निंग एबिलिटी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, मीसो सिस्टम में आ गया आपका स्कूल क्लाइमेट, पेरेंट ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, टीचर इवैल्यूएशन, पीयर कल्चर एंड अचीवमेंट। तो अभी हम विद रिस्पेक्ट टू स्कूल ज्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम की वजह से। सो इट डिपेंड्स ऑन सच फैक्टर्स ऑल्सो जिसको हम मीसो सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो वंस एजुकेशन सिस्टम इज अवेयर ऑफ ऑल दिस कि ये सारे फैक्टर्स भी बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क अपॉन दीज फैक्टर्स। ठीक है, एक्सो एंड मैक्रो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन फैमिलीज विद इन स्कूल्स, आप किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहे हो, प्लस किस टाइप के स्कूल में भेज रहे हो, वहां किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं, ये सब बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। रेसिसिज्म, क्लासिसिज्म, ओके, अगर बच्चे के अंदर ये इनवाइट किया जा रहा है दैट यू बिलोंग टू अ सर्टन क्लास, और वो दूसरे तरीके के बच्चों से जो आपसे बैकग्राउंड में पीछे हैं, जिनके पास पैसे कम है, आपको उनसे बात नहीं करनी है, क्लास सिस्टम एनकरेज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर, बट इट डिपेंड्स अगेन बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, क्या एनवायरमेंट मिल रहा है। स्कूल में होता है कभी कभी, स्कूल में भी पॉसिबल है क्लासिसिज्म हो जाए अगर टीचर्स आर बायस, या रेसिसिज्म है, ठीक है, जो कि अगर बच्चा अब्रॉड पढ़ने गया है तो हो सकता है। चाइल्ड एब्यूज एंड नेग्लेक्ट, जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और स्कूल में आज भी देखा जा सकता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टू कंसिडर, टू टेक नोट ऑफ। एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल बच्चे का, अगेन दैट शुड बी कंसिडर्ड, ये सब चीजें बच्चे को इफेक्ट करती है। ओके, तो इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ सोसाइटल फैक्टर्स विच इम्पैक्ट स्टूडेंट लर्निंग। ओके ओके, तो ये फैक्टर्स इन एजुकेशनल अचीवमेंट इसी का पार्ट है। सो दिस बायो इकोलॉजिकल सिस्टम सजेस्ट दैट देर आर मेनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट अचीवमेंट, होलिस्टिक अप्रोच इज नीडेड that is focused on meeting the broad academic and social needs of our children, to promote rich learning environment, recruiting, retaining, developing excellent teachers. वही वाली बात है ना, अगर हमें ये सारे फैक्टर्स की अवेयरनेस है तो वी विल वर्क, वी विल यूटिलाइज दिस फैक्टर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एफिशिएंसी, राइट। तो हम सारे सिस्टम्स को कंसिडर करेंगे और उन सिस्टम्स पे काम करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल है, ताकि बच्चे की बेटर लर्निंग हो सके। इज इट क्लियर टिल हियर टू एवरीवन? यस मैम, ओके, सो विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो एज वी आर लेफ्ट विद 50%, हमने किया है 50% बचा है, तो इसको हम कल करते हैं कंप्लीट। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू मैम, ओके।